आज हमारे पास फ्री फायर का OP27 अपडेट आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस अपडेट में हम जानने वाले कि क्या क्या इवेंट आया है, क्या कुछ नया आया है, तो आज हम सब जानने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लक रॉयल में, डायमंड रॉयल में, डायमंड ये जो जितना डायमंड स्पेन होता है उसमें एक और ये इंक्लूबेटर में या UMP आई है, नाम है कैटोर्स पेपर कट, तो इसका नाम है। और काफ़ी तगड़ी UMP की स्किन है, सारे एनिमल्स की स्किन लग रही है। ओके, तो यहाँ पे एक और डायमंड रॉयल पे एक बंडल आया है, तो ये है वो बंडल, मिस्टर नट क्रैकर। ओके, तो ये एक नया बंडल आया और काफ़ी सही बंडल लग रहा है। और ये गोल्ड रॉयल में भी एक नया बंडल आया, ये देखो भाई। और वेपन रॉयल में तो ये सेम ही है, M14 की एग हंटर स्किन। और अब हम चलते हैं ट्रेनिंग में और देखते हैं, और आपको बताता हूँ मैं कौन सी एक नई गन आई है। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ नई गन कौन सी है। तो वो नई गन है यहाँ पर कॉर्ड, तो एक नई गन आई है। और ये UMP और M14 और बहुत सारी ऐसी गन्स हैं जिनमें करीना ने इन पर चेंज लाया है। और ये कॉर्ड गन मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, और ये लॉन्ग रेंज में बनी है, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट गन से चलाना चाहते हो बस आपको क्राउच करना है और एकदम शॉर्ट गन से चलने लग जाएगी। और इसमें शॉर्ट गन है तो भाई समझ लो कितनी आम है भाई, 80 हो जाएगी आमो। ये झाड़ कैसे है, हाँ चलो इसको इग्नोर करते हैं भाई। बोला भाई आपके शॉर्ट गन में आप 80 एमओ रहेगी, 80 एम। और जो दूसरा अपडेट है वो आया है सोशल जोन में, और ये एक बॉक्सिंग रिंग बनाई गई है, यहाँ पे आप फर्स्ट फाइट कर सकते हो। सबसे पहले मैं सबको इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई है, ठीक है, और हम इससे फर्स्ट फाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइट चालू हो जाती है, यहाँ पे हम फर्स्ट फाइट कर सकते हैं। मैंने इसको मार दिया और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट चेंज है वो आया है एक नया इवेंट। अब इस इवेंट में आपको एक बंडल मिलेगा और आपको कुछ डेली मिशन कंप्लीट करने होंगे। तो ये देखो, ये ऐसे मिशन आएंगे और ये आपको आराम से कंप्लीट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। टास्क में बस थोड़े से टास्क है आपको, बस ये पंचेस करने हैं। और आपको ये फर्स्ट ये वाला पंच कर दोगे आप, ये येलो वाला, तो उसको काफ़ी डैमेज मिलेगा। और आपको ऐसे ही कुछ लोगों को ऐसे डिफीट करना है। देखो तो मैं Level 3 पे, वो भी Level 3 मार रहा हूँ उसको, तो इसको पंच नहीं करने वाला। तो बस ये बताने चाहता था कि इसको पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चलते हैं अगली ट्रिप की ओर। तो गाइस, जो नई अपडेट में आने वाली थी वो चीज़ है कैरेक्टर में बदलाव लाया। तो ये पूरा कैरेक्टर का ये चेंज कर दिया। और आपको लेवल अप करने के लिए पहले आपको कॉइन्स लगते थे, लेकिन अब आपको ये लगेंगे, ये जो ऐसे कार्ड्स होते हैं आपको ये लगेंगे, फ्रेगमेंट कार्ड लगेंगे। जैसे कि मैंने शिरोई को अपग्रेड करने के लिए मेमोरी फ्रेगमेंट कार्ड चाहिए, ठीक है। और सबसे गंदा चेंज को ये लगा कि क्रोनो की एबिलिटी अब चेंज हो चुकी है। अब जो क्रोनो सबसे बेस्ट हुआ करता था और अब वो सबसे गंदा कैरेक्टर बन चुका है। तो पहले इसका 15%, देखो सबसे पहले इसका टाइमर बढ़ाया गया और इसकी मूवमेंट स्पीड कम कर दी गई है, तो भाई काफ़ी बेकार बन गया अब क्रोनो। और अब सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है हमारा वूकोंग है। अब जैसे ही आप एनिम को डाउन करोगे आपका वो जो एबिलिटी है वो हो जाएगा, आप ये रिचार्ज हो जाएगा, और इसका कूल डाउन भी कम करा गया, तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर हो गया अब वूकोंग। तो गाइस, और भी काफ़ी सारे अपडेट आए, लेकिन ये Part 1, मैं आपको उसका Part 2 भी बनाने वाला हूँ। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे प्रेस कर दो ताकि आप मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आता हूँ। बाय बाय।